नमस्कार, मैं हूं एम्पुरी गोस्वामी, आपके साथ लोकहित की आवाज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करना ना भूले। श्योपुर जिले के विजयपुर नगर में कुंवारी नदी के बाबा भारती घाट पर श्राद्ध पर्व के प्रथम दिन पितरों को तर्पण करने वालों की भारी भीड़ लगी रही। पंडितों ने विधि विधान से यजमानों को तर्पण कराया। यहां तर्पण कार्य 15 दिन तक चलेगा। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कराते हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। श्राद्ध भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को खत्म होता है। पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी अमावस्या के दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। विजयपुर से अमित सिरोठिया की रिपोर्ट। किया कि ये साल में ये 16 वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन तर्पण होम करें भी नाना वैसे रोजाना का बताया है, मगर एक मनुष्य मात्र के लिए ये 16 श्राद्ध बिल्कुल बताएं निश्चित। इन 16 श्राद्धों में 16 दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस तर्पण करने से समस्त जो अपने जो पितृश्वर हैं कव्यवाद पितृश्वर उनकी साल सदगति होती है, सदबुद्धि होती है, हमारे घर में आयु लक्ष्मी वृद्धि कृपा होता है और यही हमारे पितृश्वर आकर के हमारे घर को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए इस श्राद्ध का विशेष महत्व है। इसलिए हर मनुष्य को अपने पितृश्वरों के प्रति पितृभक्ति अवश्य होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि वैसे तो तर्पण नित्य प्रति करना चाहिए, पर यदि इस पावन मास में क्वार मास में पूर्णिमा के दिन से जो तर्पण किया जाता है 16 दिन तक चलने वाले इस तर्पण में हमारे पितर तृप्त होते हैं, हमारे सुख और शांति के लिए वो आशीर्वाद देते हैं और कलयुग में हमारा उद्धार हो और हमारे अंदर सद विचार पैदा हो इसके लिए ये श्राद्ध तर्पण बड़ी श्रद्धा के साथ।